नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन अली की, जो कि T20 सेमीफाइनल में कैच टपकाने के बाद पहली बार सामने नजर आए हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, दूसरे सेमीफाइनल में हुए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया, जहां पर मैथ्यू वेड ने शाहीन अफरीदी के लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़ने के बाद ऑस्ट्रेलिया को जिता दिया है, जिसके बाद हसन अली पर खूब टिप्पणियां हो रही हैं। आपको बता दें कि हसन अली ने मैथ्यू वेड के 3 छक्के जड़ने से पहले उनका कैच टपकाया था, जिसके बाद उनकी बॉलिंग और फील्डिंग को लेकर चर्चाएँ जोरों शोरों से चल रही है। आपको बता दें कि हसन अली ने उस मैच में काफ़ी अच्छी बॉलिंग नहीं की थी और उन्होंने काफ़ी रन लुटाए थे। वहीं अफरीदी ने भी कहा है कि भले ही हसन अली ने मैथ्यू वेड का कैच छोड़ दिया था, पर फिर भी हसन अली को इतना तो अकल होनी चाहिए कि कहाँ गेंद डालनी है। उन्हें लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के नहीं खाने चाहिए थे। सेमीफाइनल में कैच टपकाने के बाद पहली बार सामने आए हसन अली दिया जवाब। ICC T20 विश्व कप 2021 के सेमीफाइनल में पाकिस्तान की टीम को हराकर बाहर होना पड़ा। लगातार 5 मैच जीतकर अंतिम 4 में पहुंची टीम को ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट से हराया। आखिरी ओवर में बाउंड्री पर हसन अली के कैच मैथ्यू वेड का कैच छोड़ दिया था। यह कैच निर्णायक साबित हुआ और अगली 3 गेंद पर लगातार 3 छक्के लगाकर वेड ने ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई। कैच छूटने को कप्तान बाबा जारम ने भी मैच का टर्निंग पॉइंट बताया। टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद से ही लगातार लोगों का गुस्सा हसन अली पर उतर रहा है। निराश फैंस ने सोशल मीडिया पर जमकर अपना गुस्सा उतारा। कैमरे पर भी हार के बाद फैंस हसन को लेकर बुरा भला बोलते नजर आए। अब इस वाक्य पर पाकिस्तानी गेंदबाज ने पहली बार खुद सामने आकर बात कही है। हसन अली ने ट्वीट करते हुए कहा, मुझे पता है आप सभी लोग बेहद दुखी हैं, क्योंकि मेरा प्रदर्शन आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं हो पाया, लेकिन जितना इस बात से निराश हैं शायद उतना आप नहीं होंगे। आप मुझसे उम्मीदें रखना बंद मत करना। पाकिस्तान ने T20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 176 रन का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में मैथ्यू वेड की पारी ने खेली गई 17 गेंद पर 41 रन की तेज तर्रार पारी के दम पर 19 ओवर में 5 विकेट खोलकर यह लक्ष्य हासिल कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। उन्होंने आगे लिखा, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के लिए जितना संभव हो सके उतना उच्च स्तर पर अच्छे से प्रदर्शन कर सकूं। इसके लिए मैंने कड़ी मेहनत की है और मैं वापस लौट चुका हूं। इस एक दर्द ने मुझे और भी ज़्यादा मजबूत बनाया है। आप सभी के लिए संदेश, ट्वीट, पोस्ट, कॉल और दुआओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जैसा कि आपको क्या लगता है, हसन अली ने कैच गलती से छोड़ा था या फिर जानबूझकर? क्योंकि कोई भी क्रिकेटर ऐसे अहमद मौके पर कैच नहीं छोड़ना चाहता और क्रिकेट में ये सब बातें, आप बताइए कमेंट करके। हसन अली को क्या होना चाहिए? क्या उन्हें क्रिकेट करियर से संन्यास लेना चाहिए या फिर उन्हें खेलते रहना चाहिए? आगे के अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।